दोस्तों हम रिसेंटली कहीं गए थे घूमने और वहाँ पे अच्छा लोकेशन था, पहाड़ का लोकेशन था, तो हमने सोचा कि कुछ तस्वीर को जो है क्लिक कर लेते हैं, यानी कि कुछ फ़ोटो खींच लेते हैं। फ़ोटो तो खींचने का खींच लिए, अब सोचे जब फ़ोटो खींच लिए है तो फेसबुक पे डाल के स्टोरी डालकर सबको दिखा देते हैं कि हम गए थे पहाड़ की तरफ घूमने। ठीक है, अब रहा बात दोस्तों हम जब फेसबुक के यहाँ पे गए थे डालने, यहाँ पे स्टोरी पे जब यहाँ पे जैसे डाला जाता है, यहाँ पे यही फ़ोटो को जो हम यहाँ पे गए डालने, ठीक है, यहाँ पे जब डालने गए दोस्तों, तो यहाँ पे हम म्यूज़िक पे क्लिक किए और म्यूज़िक पे क्लिक किए और सोचे कि थोड़ा सा जो है कोई अच्छा सा जो है चटकदार हिंदी सॉन्ग डाल देते हैं। तो यहाँ पर हम हिंदी सॉन्ग जो है सर्च कर दिए, यहाँ पर देखिए हम सर्च कर दिए यार, उसके बाद ससुर यहाँ पर लिख दिया नो रिजल्ट फाउंड। गजब बेइज्जती है, हमारा दिमाग ही चकरा गया कि आखिर म्यूजिक में जो है हमारा मतलब हिंदी सॉन्ग आ क्यों नहीं रहा है। तो हम सोचे जाने दीजिए, सर्च करने पे नहीं आ रहा है तो हम इधर से ही हिंदी सॉन्ग लगा लेते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए तो इतना ही सॉन्ग है, वो भी जो है अंग्रेजी अंग्रेजी भाषा में। तो हमारा दिमाग ही चकरा गया, अभी होगा कैसे, लेकिन हम ठहरे यूट्यूबर आदमी, हम तो जैसे तैसे करके हमारा प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया है। लेकिन अब रहा बात दोस्तों आपका प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा, तो अब जो है आपको अगर आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है, अगर आपको भी फेसबुक के स्टोरी में सिर्फ इंग्लिश सॉन्ग या दूसरा सॉन्ग दिखा रहा है, हिंदी सॉन्ग नहीं आ रहा है या पंजाबी सॉन्ग नहीं आ रहा है, तो इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा, बस दोस्तों आपको दो सेटिंग करना है। दो सेटिंग करने के बाद आपका ये जो है इंग्लिश सॉन्ग वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा हमेशा के लिए, हिंदी सॉन्ग आने लगेगा, जितना चाहिएगा उतना आप स्टोरी लगाइएगा हिंदी सॉन्ग के साथ। तो चलिए बताते हैं आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कीजिएगा, लेकिन दोस्तों उससे पहले आपको एक काम करना होगा। हेलो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर इस घंटी के आइकन पर क्लिक करें और ऑल सेलेक्ट करें हमारी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए, और साथ ही कमेंट करना ना भूलें। हाँ, तो यही करना था, चैनलों को जो है ना थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो हमें भी जो है थोड़ा अच्छा लगेगा। तो आपको कैसे करना है दोस्तों, सबसे पहले आपको दोस्तों कौन सा सेटिंग करना है, यहाँ पे आपको अपने प्रोफाइल पे क्लिक करना है। ठीक है, प्रोफाइल पे हम क्लिक कर दिए, उसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे जो है थ्री बिंदु का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, डॉट डॉट है तीन को, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे जब क्लिक कीजिएगा तो दोस्तों देखिए यहाँ पे नीचे है टर्न ऑन प्रोफेशनल मोड। अब आप लोग बोलिएगा कि हमारे में टर्न ऑन प्रोफेशनल मोड का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है, तो आप में दोस्तों देखिएगा यहाँ पे इधर ही जो है कहीं प्रोफाइल लॉक का ऑप्शन दिखाई देगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे लॉक प्रोफाइल लिखा है, अगर आप पहले से आपका प्रोफाइल लॉक होगा तो अनलॉक प्रोफाइल लिखेगा, सबसे पहले उसको जो है अनलॉक कर लीजिएगा, उसके बाद टर्न ऑन प्रोफेशनल मोड का जो है ऑप्शन आप में भी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे में है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको टर्न ऑन प्रोफेशनल मोड पे क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे टर्न ऑन पे क्लिक कर देना है, बस इसको जो है आपको प्रोफेशनल मोड को ऑन कर लेना है। यह हमारा ऑन हो गया, इसको हम कट करते हैं और यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, तो दोस्तों देखिए हमारा जो है फेसबुक प्रोफाइल जो है अब प्रोफेशनल हो गया है। ठीक है, अब एक और सेटिंग करना है दोस्तों, अब कौन सा सेटिंग करना है, यहाँ पे बैक आइए, ठीक है, यहाँ पे आ जाना है। ठीक है, यहाँ पे आपको आ जाना है, उसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे ऊपर में जो है आपका प्रोफाइल का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, या थ्री लाइन भी दिखाई दे सकता है। उसके बाद दोस्तों आपको जो है थोड़ा सा नीचे करना है और यहाँ पे देखिए लिखा है सेटिंग एंड प्राइवेसी, आपको इसी पे क्लिक करना है, यहाँ पे हम कर दिए क्लिक। उसके बाद फिर से यहाँ पे एक सेटिंग है, इस पे भी क्लिक करना है, आपको फिर से यहाँ पे सेटिंग्स पे क्लिक करना है, और वहाँ उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा आपको नीचे करना है, थोड़ा सा। उसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा प्रोफाइल डिटेल्स का, ठीक है, आपको इस पे क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जब क्लिक कीजिएगा तो आपका जो है प्रोफाइल डिटेल आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे फर्स्ट में एक ऑप्शन आया है कैटेगरी का, ठीक है, आप दिखाई दे रहा होगा आपको यहाँ पे कैटेगरी का, और उसके बाद यहाँ पे डिजिटल क्रिएटर लिखा है, बस आपको यही पे जो है कुछ सेटिंग करना है। अब आप लोग बोलिएगा कि कोई कोई कमेंट करेगा कि ये कैटेगरी का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है, तो जब तक आप अपना प्रोफेशनल मोड को ऑन नहीं कीजिएगा जब तक कैटेगरी का ऑप्शन नहीं आएगा। ठीक है, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, ठीक है, उसके बाद फालतू कमेंट मत कीजिएगा कि मेरा नहीं हो रहा है सर, मेरा नहीं हो रहा है, जैसे जैसे हम बता रहे हैं वैसे कीजिएगा, उसके बाद जो है आपका भी हो जाएगा। बाद में आप पूरा वीडियो देखते नहीं हैं, आप चले जाते हैं इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं कि मेरा नहीं है, मेरा ये नहीं हो रहा है, मेरा वो नहीं हो रहा है, मेरा ये नहीं आ रहा है, मेरा वो नहीं आ रहा है, अलग अलग कमेंट करते हैं लोग। तो जैसे बता रहे हैं वैसे कीजिएगा, आपका भी हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे कैटेगरी का तो ऑप्शन आ गया, अब इसमें सेटिंग क्या करना है, यहाँ पे देखिए एडिट का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा आपको, बस उसी पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको सर्च करना है वीडियो CREA, बस इतना सर्च कीजिएगा तब तक यहाँ पे आ जाएगा
वीडियो क्रिएटर, देखिए यहाँ पे आ चुका है। उसके बाद ऊपर आया है गेमिंग वीडियो क्रिएटर, तो आपको यहाँ पे जो नीचे है ना वीडियो क्रिएटर, बस आपको इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे जब क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे ऊपर में जो है ग्रीन टिक जो है यहाँ पर लग गया है। उसके बाद नीचे जो देखिए दोस्तों यहाँ पे सेव का ऑप्शन आ चुका है, ठीक है। अब सेव पे जो है यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। बस इतना सेव कीजिएगा और यहाँ पे आपको हमारा कैटेगरी ले लिया है। उसके बाद यहाँ पे हम कट करते हैं, कट करते हैं, यहाँ पे बैक करते हैं। अब दोस्तों हम आपको दिखाते हैं कि हमारे फेसबुक पे इंग्लिश सॉन्ग ही आ रहा है या हिंदी सॉन्ग आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे फिर से क्रिएट स्टोरी पे क्लिक करते हैं, फिर से वही वाला फ़ोटो ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करते हैं, म्यूजिक पे जाते हैं और यहाँ पे हम सर्च करते हैं हिंदी, सॉरी यहाँ पे, सॉरी दोस्तों यहाँ पे आप तो हिंदी सॉन्ग सुनाई दिए दिया होगा, हिंदी सॉन्ग्स। अब दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे भर भर के हिंदी सॉन्ग आ चुका है। यहाँ पे देखिए ऊपर करते जाइए लेकिन ख़त्म नहीं होगा दोस्तों, आप ख़त्म हो जाइएगा लेकिन यहाँ पे गाना ख़त्म नहीं होगा। मजाक किया है दोस्तों, बुरा मत मानिएगा। यहाँ पे देखिए हमारा हिंदी सॉन्ग आ चुका है, अब हम थोड़ा सा तो बजाएंगे लेकिन कॉपीराइट आ जाएगा, बता दे रहे हैं, ठीक है। आप के लिए रिस्क ले लेते हैं, कोई बात नहीं। ये सुहाने पल ये मुलाकात, चलिए कॉपीराइट आएगा तो क्या हो गया, आप सीख लिए उतना ही मेरे लिए बहुत बहुत कुछ है, ठीक है। बस आप लोग अच्छे तरीके से सीख लीजिएगा, वही बहुत दोस्तों। इस वीडियो को जो है थोड़ा मनोरंजन टाइप में बनाए हैं, थोड़ा मतलब अच्छे से फनी टाइप में, तो आप लोग बुरा मत मानिएगा। यहाँ पे फिर म्यूजिक पे जाइए, अब यहाँ पे दोस्तों रिफ्रेश होगा हमारा फेसबुक, ये खुद ही हट जाएगा ये सब इंग्लिश सॉन्ग, यहाँ पे भी हिंदी सॉन्ग आने लगेगा। आप अपने फेसबुक को अपडेट कर लीजिएगा। अब दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे म्यूजिक में आइए, जितना बार आप यहाँ पे हिंदी सॉन्ग सर्च कीजिए अब हमारा भर भर के हिंदी सॉन्ग्स आएगा, ख़त्म ही नहीं होगा। देखिए यहाँ पे सब हिंदी सॉन्ग है दोस्तों, यहाँ पे देखिए चोरी चोरा दिल तेरा चुराएंगे, सब हिंदी सॉन्ग है दोस्तों। ये दो सेटिंग करना है, ठीक है। अब हमारा हिंदी सॉन्ग आने लगा, अब हमें पता है कि आप लोग भाग भी गए होंगे, पता नहीं है कि नहीं, लेकिन अगर अभी तक हैं तो प्लीज़ दोस्तों बोल रहे हैं प्लीज़ चैनल को जो है ना थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बस थोड़ा सा वीडियो को लाइक कीजिएगा और आपका जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो गया तो वीडियो में लिखिएगा थैंक्स ब्रो, बस इतना सर्च कीजिए और जाते जाते यही बोलेंगे कि जय हिंद वंदे मातरम।